यो बलराम भाई हमारा ई प्रियो मोटा हो गया पहला गाना पतला ई के रस्ते वाले आ गए एक ही करता था गाना दोष जिला है दोष में गाना बोलिया एकदम पारा अप कर दी वरिष्ठ वाले बोले बिना छोरा क्या खाओ ई के तत्ता नहीं गड़ा तो बिना यो लिया वरिष्ठ कमलिया एक उस तक जो जिला है था बोले यो तो के मना थोड़ा भाई बोले जमा मरे अपने हेल्प को भी इका तीले चाचा दो सागे ने लिया ओ सकील का है और इस त्याले मोर पर तीजो सागे पहले के लाश ना बनवाने थोड़ी क्या होंगे वो तो एक पैर वन सागे सीट पे बोले अरे अरे तो निभे ना मैं कून सुन उन सोची को पाया पैर वन होता है उसका दूसरी सीट पर जा बैठ गया पूरा एक और आ गया जब उन्हें सोची पर ना फेर खाओ गए उन्हें जो है सारा किराने ले आए पहले ही बोले तेरे फेरा नहीं मैं कौन सूं उन पहले मारना पकड़ कर ने उठा लिया हो बोले कौन से बोले भाई ने के मार सूं हेलो तो एक हटके प्रोग्राम फिल्मी कलाकार की आवाज आज पेट्रोल मेरी बहुत पुरानी मिलकरी है मैं कई बार इसको कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ अच्छा आपको पसंद आए मैंने सोचा कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया इतने व्हीकल हो गए पेट्रोल का बहुत बड़ा दाम बढ़ गया जे आदमी भी पेट्रोल पे चार जिंदगी होता गाड़ी चल रही तो और सबसे बड़ी घड़ी दिक्कत होती फिल्मी कलाकार क्यों काम घना करना पड़ा है केवल किसी फिल्म की शूटिंग केवल किसी फिल्म की शूटिंग लागे रहे तो एक बार अजीत शूटिंग करें थे और शूटिंग करते करते पेट्रोल खत्म हो गया उस टाइम किसी ने बताई कड़ा अमिताभ बच्चन शूटिंग करा है सब सपोर्टी टंकी होगी हम बोल ले तू मिल गया करो अजीत किस तरह शूटिंग करें थे वह तेल खत्म हो गया अमिताभ बोल गया बड़ी अजीब सी बात है सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है इस शहर में हमारी हैसियत वही है जो एक जंगल में शेर की होती है अमित तुम मुझे थोड़ा पेट्रोल दो अगर तुमने मुझे पेट्रोल नहीं दिया तो मेरे आदमी तुम्हें क्या अमिताभ ने मुझे समझाया कि तुम्हारा काम हो गया भाई अमिताभ ने कैसे समझाया आप और कुछ मांग लीजिए पेट्रोल हमसे मत मांगिए मुझे बड़ी शर्म आती है हाँ मुझे बड़ी शर्म आती है करते करते ये मैं आपको नहीं दे सकता अमिताभ की बात है सुन के पीछे राजबब्बर साहब खड़े थे उन्होंने बड़ा चंगा समाधान यार ये आदमी ये क्या है उन्होंने कैसे समझाया कमाल करते हैं एक आदमी पेट्रोल पर इतना पड़ा है मार डाके उसे राज की से पूरी दृष्टि को कमाल करते हैं उनकी बात अमिताभ ने नहीं सुनी पीछे हमारे मिथुन दा खड़े थे उन्होंने उन्हें कैसे समझाया कसम कसम उनकी बात में अमिताभ ने नहीं सुनी पीछे हमारे जगदीप साहब खड़े थे उनका लहजा कुछ और था उन्होंने कैसे समझाया आदमी पेट्रोल के लिए तड़प लिया है अरे उनको थोड़ा पेट्रोल दे दे नहीं तो मेरा नाम सुनवा भोगी ऐसे ही नहीं जा लफारे मारूंगा सका सका उनकी बात अमिताभ ने नहीं सुनी पीछे हमारे राजकुमार जी खड़े थे उन्होंने कैसे समझाया जानी जब जंगल में सन्नाटा हो तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जंगल में शेर नहीं है हो सकता है वो सो रहा हो
तुम उसे पेट्रोल दे दो, वरना तुम्हारी शायद ये आखिरी सूटिंग होगी। हम उनकी बात में अमिताभ ने नहीं सुनी। पीछे हमारे कैस्ट्रो मुखर्जी साहब खड़े थे, उन्होंने अमिताभ की तरफ बोले, वो ना कि अजीत साहब की तरफ। अजीत उनका अपना अलग स्टाइल था कि आप दारू पीजिए, पेट्रोल से क्यों, पेट्रोल क्यों मांग रहे हैं। पीछे हमारे कहीं से घूमते फिरते लालू प्रसाद यादव जी आ गए, उन्होंने कैसे समझाया, तो ससुर के नाती तनिक देखिए हमारी तरफ भी देखिए, ये तो आदमी है, ये ससुर का नाती बिहार में हुआ होता ना तो हम इसको समझाते कैसे चारा खाया जाता है, कहे के लिए पेट्रोल मांग रहे हैं। उनकी बात अमिताभ ने नहीं सुनी। पीछे हमारे शत्रुघ्न सिन्हा साहब खड़े थे, उन्होंने कैसे समझाया, लोग सुखी जुमले पेट भरने के लिए काफी दो गज है जमीन जीने मरने के लिए। पता नहीं चला वो पेट्रोल देने की बात कर रहे हैं, जमीन लेने की बात कर रहे हैं। निकल तो पीछे हमारे सबसे बुजुर्ग स्टार पृथ्वीराज कपूर जी खड़े थे, उन्होंने फाइनली उनको समझाया, एक आदमी पेट्रोल के लिए तड़प रहा है, आज मुझे पेट्रोल की जरूरत है, कल तुम्हें भी होगी। अरे कभी तो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके चले गए कि हम आपस में बटे हुए हैं। अब इतना मैं बुजुर्ग होने के नाते उनके अमिताभ से रहा नहीं गया, उन्होंने फाइनली उनको समझाया, अरे साहब तुम मैं कैसा सोच लिया कि मैं इतना खुद कर दू, अरे मुझे करते हुए बड़ी शर्म होती, हाँ मुझे करते हुए बड़ी शर्म, अरे मैं पेट्रोल से नहीं चलता, अरे मैं डीजल से चलता हूँ भाई। धन्यवाद। चौधरी देवीलाल जी किसानों के बड़े हितैषी थे और जड़पी जमींदार का जिन्हें चक्कर आया करता, चौधरी साहब बड़ा चटपट गए, जो भी होता कराया करते। मैं छोटा सा था, एक हमारे गांव में आ रहे थे जब तू साल ओले पड़े थे पाथले साल, अखबार वाला राजौर के निवेदन है जिसने छापे को ना कटकल है और कुछ नहीं है, तो चौधरी साहब ने आगे बैठे खंडवे वाले गए, चौधरी साहब बैठे पास में सोफे पर, बोले हाँ, बोले भाई चौधरी साहब गुरु जी मैं भाई ओले पड़ी जब रुपये मिले थे, बोले हाँ चौधरी साहब मिले थे, घबराइए फिर पड़ गए फिर मिल गया।